आपकी जो शादी में 15 मिनट जो आपने वमन कल्चर के 3 लोगों के साथ में जो बहस की, उस बहस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये तो कमाल किया आपने। कौन से सन की बात है ये? लगभग 86 की बात है। तो 86 में तो अभी 14 और 23 अच्छे खासे 37-38 साल हो गए। बिल्कुल हो गए। तो बताइए क्या हुआ था उसमें? उसमें जब सारे किताबों के पढ़ने के बाद में इनके प्रति हमारा विद्रोह हुआ। शादी तो इनके जो मंत्र पढ़ते हैं इतने गंदे गंदे हैं कि आपके सूरा मेरे मंज पमान डठण बेर मनी सिखाप धिंग मुंबई से प्रकाश मौर्य जी का नाम समण समाज में या समण साहित्य में, या वो खुद एक एडवोकेट हैं, उनका एक परिवार एडवोकेट है, जाने माने समाज सेवी हैं, बड़ी सारी उनके साथ दिलचस्प घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ आज हम उनसे जानेंगे एक दिलचस्प घटना के बारे में। प्रकाश मौर्य सर, आपकी शादी के बारे में बताया जाता है कि जब आपकी शादी हो रही थी तो शादी कराने के लिए जो भारतीय परंपरा के अनुसार वमन लोग आते हैं उनसे आपने डिबेट की, और ना केवल डिबेट की, आपने उनसे बहस की, बल्कि उनको तर्क में और वितर्क में हराया, और उसके बाद वो वहाँ से उनको भागना पड़ा, उनको जाना पड़ा। ये क्या घटना थी? 22 प्रतिज्ञा अभियान में हमारे सारे दर्शकों को ये टीम 22 के सौजन्य मैं सबको समण संस्कृति संघ की तरफ से अभिवादन करता हूँ। और आपने जो प्रश्न पूछा शादी के बारे में, तो शादी के पहले का हमारा जो परिप्रेक्ष्य था वो कुछ अलग कल्चर था, जो अनकल्चर्ड हम कह सकते हैं, जो अनसिविलाइज्ड है, जो असभ्य समाज है, और उसमें हम पले पोसे थे। और उनके सारे पुस्तकों को मैं अध्ययन किया, सारे पुस्तकों के अध्ययन के बाद में उनके जितने भी अधार्मिक, आज के युग में मैं उसको अधार्मिक पुस्तक कहूँ, वो पढ़ने के बाद में, और मैं मतलब जितने भी वेद पुराण निषद ये सब जो किताबें थीं जो लिखी गई जिनके कोई राइटर नहीं होते उनकी बात कर रहे हैं कि वो अधार्मिक जो साहित्य था उसकी बात कर रहे हैं ना, पढ़ा है आपने? जी जी जी, मैं 12 साल की अवस्था में गेरुए वस्त्र में था, उसमें वेद। अच्छा, गेरुए वस्त्र में थे? हाँ, हाँ, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो बड़ा अध्ययन किया होगा आपने तो। हैं, बहुत अध्ययन किया होगा आपने तो। अध्ययन मतलब मैं 12 साल की अवस्था से ही इस वस्त्र में रह करके, मैं चूँकि भिवंडी जहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, और वहाँ भिवंडी कहाँ, महाराष्ट्र में? भिवंडी महाराष्ट्र ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ मैंने 82-84 के राइट्स को मैंने देखा, किस तरह से ब्राह्मण आली, वाणी आली, हर्षा आली, सुतार आली, काप आली, और किस तरह से वहाँ पे जैतूनपुरा, खजूरपुरा, इस्लामपुरा, बंगालीपुरा, ये आपस में लड़े, उसमें ये अलग अलग वर्गों के सब वो बने। हाँ हाँ, ये मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदी कम्युनिटी के जो अलग अलग हैं। तो आपने समाजशास्त्र का बड़ा अच्छा अध्ययन किया वहाँ पे। हाँ, पूरा पूरा अध्ययन, सारे वेद उपनिषद के अध्ययन के बाद में मैं 18 साल की अवस्था में। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना गहन अध्ययन किया वेद पुराण निषद का, इन सब का, ये कैसे आरंभ हुआ, मतलब आपके जीवन में? क्योंकि साधारण व्यक्ति के जीवन में किताबें नहीं आती, वो तो रोटी पानी में लगा रहता है, तो आपको ये कैसे ये सारे अध्ययन करने का मन में आ गया? हमारे क्षेत्र में एक पंडित गौरीशंकर नाम के एक वमन कल्चर के ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उनके यहाँ वेद उपनिषद था, और वहाँ पे एक तिलक के नाम पे लाइब्रेरी थी, तो बचपन से ही मैं उस सारी किताबों को मैं पढ़ता रहा वेद उपनिषद। और उसमें मैंने जब पढ़ा कि ब्राह्मण मुकमा जायते बाहु राजन्यम कृतम उरुहु यदस्य तदस्य पदभ्या शूद्रम जायते, तो बोला कैसे संभव हो सकता है? क्या मतलब है इसका जो आपने? इसका अर्थ यह है कि एक वर्ण जो है वो मुंह से पैदा हुआ है, दूसरा हाथ से पैदा हुआ है, तीसरा पेट से पैदा हुआ है, चौथा पांव से पैदा हुआ है, मतलब व्यक्ति पैदा हुए हैं। हाँ, व्यक्ति पैदा हुए। तो मुझे अवैज्ञानिक, अतार्किक लगा। इसके बाद मैंने जब और भी तमाम श्लोक्स पढ़े, जैसे सर्व जगत देवाधीन ते, देव मंत्राधीन ते, मंत्र ब्राह्मण अधीन, तस्मै ब्राह्मण देवता, कि जिसका अर्थ यह होता है कि पूरा जगत जो है वो देवता के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और वह ब्राह्मण इन देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा ब्राह्मण देवता है, और वह विष्णु के सोए हुए हैं क्षीर सागर पर, उनके छाती पर लात मारता है भृगु नाम का एक वमन ब्राह्मण। तो जब ये सब पढ़ा तमाम, इसके बाद में हमारा, तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि ये जो आप इसमें बोल रहे हैं इसका तर्क क्या है, वितर्क क्या है, इसकी सच्चाई क्या है,
ये अवैज्ञानिक है, ये कभी जीवन में कभी घटता नहीं है ऐसे, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? उनसे पूछा नहीं जो पढ़ाने वाले थे? नहीं, पढ़ाने नहीं, मैं तो किताबों को लेकर पढ़ता था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं किताबों को लेकर घर में पढ़ता था, मंदिरों में जाके पढ़ता था उनके, और 8 महीने इनकी धार्मिक पुस्तकों को, जो आज अधार्मिक है अधम्मिक है, पुस्तक को पढ़ता था, और 2 महीने परीक्षा देता था, पास हो जाता था। पूरे जीवन में हमने हमारे लगभग परीक्षा कहाँ देते थे? स्कूल में, कॉलेजेज में। अच्छा, इसके पढ़ाने का स्कूल था, कॉलेज था? नहीं, इसका नहीं भाई, मैं आज एक वकील हूँ, MA हूँ, LLB हूँ, तो जो हमारी मतलब जो पुस्तक धार्मिक पुस्तक ये इनके जो हैं वो पढ़ने के साथ साथ हम स्कूल अपनी अपनी आप एजुकेशन भी करते? हाँ, शिक्षा भी करता था ना। ओके, ओके, ओके। तो वो जो 2 महीने वही पढ़ करके पास होता था, बाकी सब यही किताबें पढ़ता था। तो एक इस किताबों में मैंने जब तमाम चीज़ें देखा, एक विरोधाभास देखा, मैंने हमारे समन कल्चर के तमाम, जैसे संत कबीर, संत नानक, संत एकनाथ, संत रविदास, संत सावतामाली, संत सैन, तमाम संतों की बातों को हमने पढ़ा, जहाँ जहाँ जो है ये संत कबीर कहते हैं कि एक ही चाम एक मन मुदड़, एक हाथ एक गुदा, एक जगह से सब जन्माए, कोई ब्राह्मण कोई सूदा, वहाँ इनका इनके जन्म का जब हम इनकी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण मुकमा जायते बाहु राजेंद्रम कृतम उरु हुई अदस्य तदस्य पदभ्या सुदम जायते, मुझे खूब बड़ा अटपटा और उल्टा लगा। और मैं 18 साल की अवस्था में हिंदू आंदोलन में मैं जेल में भी बंद था 3 महीने, और ये जेल में भी हमने जो आज के आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है वह भी 2-3 बार पढ़ी। उसके पढ़ने के बाद में फिर हम बाहर आए हैं, तो हमारा एक बड़ा परिवर्तन हुआ जी। तो आपने जब ये सारा अध्ययन किया, सारा साहित्य पढ़ा, और उसके बाद आपने संतों की वाणी, समण संतों की वाणी पढ़ी, तो उसमें आपको जमीन आसमान का उल्टा अंतर नजर आया? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मतलब जहाँ ये कहा गया कि बच्चे मुंह से, पैर से और कमर से, लात से, यहाँ से पैदा होते हैं, वहीं आपने ये पढ़ा कि सारे लोग एक ही जगह से पैदा होते हैं, जो कबीर ने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो साइंटिफिक भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपके मन पे प्रभाव पड़ा इन दो बातों से? देखिए, एक और पुस्तक हम पढ़ी थे, एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, और जो उसी का दूसरा एक है मनुस्मृति है, जो दोनों लगभग मैचिंग हैं। तो मैंने जब यहाँ, हम उत्तर प्रदेश मूल के निवासी हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें एक चीज़ यह देखा कि लिखा था मनुस्मृति में कि चारों वर्ण के लोगों के नामकरण 4 ढंग से होने चाहिए, और ब्राह्मण का नाम जो है वो नाथ के हिसाब से होना चाहिए मनुस्मृति में, और क्षत्रियों का जो नाम है वह एक बलवर्धक के नाम से होना चाहिए, और शूद्रों का एक व्यापार इस निम्न नाम होना चाहिए, और एकदम निम्न नाम होना चाहिए, और जो वैश्य हैं उनका एक अलग नाम होना चाहिए। तो उस चीज़ को मैं मेरे गांव गया, मेरे जौनपुर जनपद में, तो मेरे मैं गांव की बात बता दूं कि आज आप भी गांव में जाएंगे तो आज से लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले वहाँ के नाम को आप देखेंगे तो मनुस्मृति के आधार पर ही उस तरह से नाम मिला। तो जब मैं मेरे गांव में बचपन में जाता था, जब मैंने वहां देखा, तो हमारा जो है, हमारे घर के पश्चिम साइड में जो वमन बस्ती, ब्राह्मणों की बस्ती है जिनको हम कह दें, कि वहां पे सोमनाथ, शंभुनाथ, मटुकनाथ, दीनानाथ, शिवनाथ, हौसलानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आज भी पुराने में से नाम है। अब मैं मेरे गाँव के नाम बता रहा हूँ। इसके बाद में हमारे गाँव में छत्री तो नहीं है, लेकिन हमारे गाँव के बगल में एक छत्री है जो सूर्य बहादुर, उदय बहादुर, चंद्र बहादुर, भान बहादुर, पृथ्वीपाल, महीपाल, दिक्पाल, सूर्य, इस तरह से तमाम जो है क्षत्रियों के नामकरण का नाम मैंने देखा। और हमारा जो है बनियों का, और यादव, मौर्या, पटेल, ST/ST OBC के जब मैंने नामकरण मैंने गांव में देखा, उसमें राम वरण, रामचरण, रामकरण, राम लोचन, राम पदारथ, मेवालाल, मैकूलाल, बिहारी लाल, सुंदर लाल, असरपी लाल, बनवारी लाल, तो लाल बरन करण चरण इस तरह से हुआ। इसके बाद में मेरे घर के, मैं दक्षिण तरफ जो है, जिसको उस काल में हरिजन बस्ती कहते हैं, जिसको आज मैं बाबा बस्ती कहता हूँ, जो आज बुद्धिस्ट लोग हो गए हैं, वहाँ के गांव में मैंने पुराने आज भी वो नाम, मैं बचपन में मैं वहाँ देखा हूँ, तो वहाँ मंगरुआ, टेंगरुआ, बुधैया, खरबोटिया, करेंगवा, खरबोटी, और इस तरह से नाम ये लगे। इसके बाद में मैंने ये देखा कि उस मनुस्मृति में लिखा है
कि इनको काले धागे इनके शरीर में होना चाहिए, दूर से पहचान में आ जाए, दूसरा सफ़ेद धागों में हो, ये लिखा हुआ है? हाँ, बाकायदे। अरे क्या नहीं लिखा है, इससे गंदे गंदी चीज़ें लिखी हैं जो मैं अब व्यक्त करने का समय नहीं है, उनका अब ख़त्म करने का समय है। ये सब सारे पढ़ने के बाद में मुझे मेरे मन में एकदम नफरत हो गई कि ये जो है ये धर्म के नाम पे सबसे अधार्मिक एक कल्चर है, मानवता का सबसे कलंकित कल्चर है, कल्चर है ही नहीं, अनकल्चर है। कितनी उम्र में ये बात मन में आ गई? ये लगभग जब मैं 18 साल की अवस्था में हिंदू आंदोलन में लगभग कुछ महीने जेल में था, उसके पहले से आभास होता था हमको, चूँकि हमारा जो परिवार है गांव का वो कम्युनिस्टी विचार के थे, तो उस हिसाब से मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल है, तमाम चीज़ों की किताबें हैं, ये सब मैंने पढ़ा, और इतिहास में रुचि थी तो वो उसमें रूस की क्रांति और फ्रांस की, अमेरिका की क्रांति, तमाम चाइना की क्रांति के बारे में खूब, लाल फौज कैसे कहाँ इसका पूरा अध्ययन किया, वियतनाम की क्रांति के बारे में अध्ययन किया, तो ये दो तरफा था, दो कल्चर के बीच का मैंने ये सब अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि आपने तीन कल्चर का अध्ययन किया। हाँ, आपने बमण कल्चर का अध्ययन किया, समण का किया और कम्युनिस्ट कल्चर का किया। हाँ, कम्युनिस्ट कल्चर का, सही, आपका कहना सही है, जो कम्युनिस्ट है, जो कार्ल मार्क्स अगर शायद भारत में पैदा होते तो दास कैपिटल के बजाय वो जाति कैपिटल लिखते, और वो जो हैं उन्होंने एक शब्द कहा है कि धर्म एक नशा है, तो मैं समझता हूँ कि जब अगर भारत में होते, यहाँ अध्ययन किए होते, तो धर्म को नशा नहीं कहते, चूँकि तथागत बुद्ध का दिया हुआ, हमारे जो समन के लोग हैं वही धम्म है, बाकी सब जो है पंथ और संप्रदाय है, और सनातन धर्म की आज जो बात है, सनातन धर्म जो है हमारे समन कल्चर का है और तथागत बुद्ध के कल्चर का है, जैसे नहि वेरेणी वेराणी समंचित कुदाचना अवेरेच संबंधी ऐसे धम्मो सनातनो, तो जो वमन कल्चर है वो चोर कल्चर, ये जो अभी आपने बोला है ये तो धम्मपद का पांचवा धम्मपद है, पद जी, है। जी 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 तो जी, क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, जो प्रकृति है कि कोई बेर से बेर नहीं मिटता है, और पानी को, आग को बुझाने के लिए पानी लगता है, तो इसका एक बड़ा ये सनातन धर्म है, प्रकृति का धर्म है, यानी ये अमर नियम है, सनातन है, नियम, सनातन, और यही बुद्ध ने बताया है पांचवें उसमें। बुद्ध के जो नियम है वो प्राकृतिक है, बुद्ध के, ये ओशो ने भी कहा है कि जो बुद्ध का नियम है इसी को सनातन बोलते हैं, एस धम्मो सनातन तो बोला उन्होंने। देखिए, ओशो को मैं, आप कह रहे हैं नाम ले लिया, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उन्होंने वहां सनातन बुद्ध से ही लिया हुआ है। हाँ, यस यस यस, बुद्ध से ही पूरा, कल्चर में नहीं जा रहा, नहीं बुद्ध ओशो का कुछ नहीं है, बुद्ध का ही कल्चर है, बुद्ध के 5-10% 20% या उनके स्पीच के लगभग, उन्होंने उनका जिक्र छोड़ दे क्योंकि उन्होंने तो दुनिया भर का खिचड़ी पकाया हुआ है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए, कोई फायदा, इसीलिए तो मैंने कट किया। हाँ, अच्छा किया। तो उस कल्चर को, उस अनकल्चर्ड को मैं पढ़ा, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अच्छा, आपने आर्य समाज पढ़ा है? अरे, मैं उसके बाद में जब इनसे नफरत हुई तो मैं कुरान शरीफ पढ़ा, मैं तौरेत पढ़ा, मैं जबूर पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, तमाम धार्मिक या इस तरह के जो पंथ की किताबें उसको पढ़ा, आर्य समाज में कुछ दिन रहा, आर्य समाज को जेल में मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद जब बाहर निकला तो मैंने, आर्य समाज में तो आप देखे होंगे जो वहाँ अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हिंदू शब्द नहीं था, ब्राह्मण शब्द था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जो विवेकानंद जी को जो लेके गए, जो जिन्होंने मौका दिया था, वो श्रीलंका के, उन्होंने अपने समय में उनको दिया था, तो उस वक्त में जो विवेकानंद यहाँ से गए थे, जो अनागारिक धम्मपाल, जिनको भारत भूमि से, भारत का मतलब भारत ज्ञान में रत, भगवान बुद्ध के नाम पे भारतवर्ष है, और भारतवर्षावास वर्ष इसका नाम है। आज ये वमन लोग जो हैं, मैं आपके चैनल से बता दूँ कि इतने निकृष्ट लोग हैं कि आज ये भारतवर्ष को भी भारत माता बना रहे हैं, बोलते हैं भारत माता कीजिए, कैसे भारत माता, ये भारतवर्ष है, भारत जो है भगवान बुद्ध का नाम है। एक बात देखिए, कमाल की बात है कि भारत के अंदर माता प्रधान देश था बुद्ध के समय, अशोक के समय माता प्रधान था, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक भी जब तक ये बुद्ध का कल्चर रहा और समण कल्चर रहा तब तक ये माता प्रधान था। हम अपनी माताओं को जो कुल माता बोला करते थे, पर हमारे यहाँ कुल पिता की प्रथा नहीं थी, नहीं थी, नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पिता है वो बाहर के काम दे देते थे, यस यस, और माता के नाम से बच्चों के नाम रखे जाते थे, बिल्कुल। तो ये कमाल की बात नहीं है कि जो व्यक्ति महिलाओं की, जो जिस कल्चर में महिलाओं की कोई इज्जत ना हो, जिसमें महिलाएं घर में रहें, जिसमें पढ़ें ना, जिसमें संपत्ति का अधिकार ना हो, जिसमें दासी प्रथा हो, जिसमें महिलाओं को किसी मेन काम के अंदर प्रमोट ना किया जाए, जिसमें महिलाओं को संसद तक में आने से रोका जाए, जिसमें महिलाओं को हर तरह से कोई भागीदारी ना दी जाए,
उसी महिला को सिर्फ कहने के लिए भारत माता है, पर भारत माता का कहीं कोई सम्मान वम्मान तो है नहीं। नहीं, आपका कहना शत प्रतिशत सत्य है, लेकिन जो मूल प्रश्न है मैं वहाँ आ जाऊँ कि किस तरह से आपका जो बातें कहा वो सही है, लेकिन किस तरह से वो जब मैं जेल से बाहर निकला सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में मैंने पता लगा। जेल में पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, जेल में ही मैं पढ़ी। मेरे पिताजी जो है बहुत पुराना वर्जन पढ़ा है, पुराना ओरिजिनल। मेरे पिताजी के काल की पुस्तक हमारे पैतृक गांव में थी, वो पुस्तक तो, उसमें तो पुराने वर्जन में तो ये लिखा हुआ है कि जो हिंदू शब्द भारत का नहीं है ये बाहर का है। अरे भाई, सिर्फ यही नहीं लिखा है उन्होंने, उन्होंने कहा कि हिंदू काला चोर ये सब है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण का भी मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, और उसमें हर समुल्लास बनाया है दयानंद सरस्वती। उन्होंने हर समुल्लास में एक एक जो धर्म जिसको हम कहते हैं पंथ संप्रदाय, उनका उन्होंने उल्लेख किया है। तो वो पढ़ने के बाद में जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता लगा कि ये 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना हुई। तब मैंने और पीछे देखा तो मैंने देखा कि यहाँ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। तो जब सत्य शोधक समाज को के बारे में मैंने इतिहास में खोजा तो वहीं मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ा। महात्मा ज्योतिबा फूले के सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद में मेरे बदन में एक आग लग गई। इतना बड़ा महात्मा ज्योतिबा फूले, जो पति पत्नी इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर, इनको इन वमन कल्चर ने इनको ख़त्म कर दिया, उनकी पूरी क्रांति को इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उनके पढ़ने के बाद में तब मैंने प्रतिज्ञा किया। और जो आप शादी की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं का कंसेप्ट लिया हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस तरह से पुणे के ओतुर में नावी समाज का एक विवाह किया बिना ब्राह्मण के, और वह जो है महात्मा फुले के साथ में जो एक जज थे, ब्राह्मण जज थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, और उनके ही साथी थे जिन्होंने अपना उनकी पत्नी के मरने के बाद में उनसे लगभग 25 से 30 40 वर्ष छोटी कन्या से विवाह किया था। और वो पुणे के जज थे और उनके सामने चैलेंज हुआ, और फिर बाद में विलियम सार्जेंट नाम के हाईकोर्ट में जज हुआ। उस पूरे शादी के केस को अध्ययन करने के बाद में, उस पर हम बताएँगे लंबा समय जाएगा, तब मैंने प्रतिज्ञा किया। मैं शादी के हर समाज के सारे विधियों का अध्ययन किया, फिर मैंने वही प्रतिज्ञा किया कि इन वामनों के हाथ से मैं मेरी शादी नहीं करूंगा। और जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले को उस काल में उनके शादी के मंडप में से उनको अपमानित करके हटाया गया था, मैंने प्रतिज्ञा ली उस काल में मेरे लगभग 22-23 साल की उम्र में जब हमारा शादी हुआ था। हमने मुंबई के चिरा बाजार में जो सबसे अच्छा हाल था वहाँ पर तीन तीन ब्राह्मण के साथ हमने डिबेट किया, उनकी चर्चा की, डिबेट में हम आपको बताएंगे। फिर उनको हमारे लग्न मंडप से हटा करके मेरी शादी मेरे हाथ से किया। अच्छा, आपने अपनी शादी अपने हाथ से किया? हाँ हाँ, यानी समणक कल्चर को पूरी तरह से आपने अपनाया, क्योंकि समणक कल्चर में कभी भी शादियाँ किसी दूसरे के हाथ से नहीं हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैंने उनके 3.5 वचन और जो 7 वचन को मैंने अध्ययन किया, मैंने हर कल्चर का शादी का सिस्टम अध्ययन किया। तो उस काल में जो समन कल्चर में, तथागत बुद्ध के कल्चर में, जिसको अर्जक कल्चर जिसको कह सकते हैं हमारे उत्तर भारत में, वह कोई हमको मिला नहीं, ना तो कोई भिक्षु ना कोई ये। बाबा साहब की किताबों से हमें दूर दूर था। उस काल में बाबा साहब तो जैसे एकदम ना के बराबर थे, और बहुत भिक्षुओं को जानता नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक प्रतिरोध था, विद्रोह था, इनको हम हटाएंगे। और हमारी शादी में हमने उनसे डिबेट किया 15 मिनट के अंदर, और पराजित करके फिर मैंने उनको भगा करके मेरी शादी मेरे हाथ से किया। आपने शुद्ध शादी की? शुद्ध शादी की? अब शुद्ध शादी के बता दूं कि मेरी पत्नी 12वीं पढ़ी थी, महात्मा ज्योतिबा फूले से मैंने वो कंसेप्ट लिया, और मैं महात्मा ज्योतिबा फूले का 1% 2% मैं उनका वैचारिक पुत्र हूँ। उनके कहे हुए कदमों पे मैं चला। मेरी पत्नी 12वीं पढ़ी थी, उसको घर में लाया। हमारे ससुराल पक्ष के लोग, सारे लोग, नाते वाई, रिलेटिव सब खूब नाराज थे, चूँकि वो सब वमन कल्चर में सब पूरा लिप्त थे। लेकिन मैंने विद्रोह किया था, चूँकि मैं एक बड़े कृषक और उद्योगपति परिवार का लड़का रहा, और दबंग भी था अपने हिसाब से, और इकलौता भी था, उसका पूरा फायदा करके मैंने मेरे ढंग से मेरी शादी की। और पत्नी 12वीं थी, उसको बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, 2004 में वकील संगठना की चेयरमैन बनी, फर्स्ट लेडी ऑफ महाराष्ट्र, और अभी इस वक्त जो है पीएचडी कर रही हैं लॉ से, लगभग 56-57 साल की एज में। घर में हमारे सारे लोग पढ़ रहे हैं, लड़का हमारा एलएलएम पीएचडी कर रहा, बहू। आपने जो महात्मा ज्योतिबा फुले का जो सपना था कि पढ़ना है, पढ़ाना है,
वो पूरी तरह से अडॉप्ट किया। बिल्कुल, महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो हमारे घर परिवार के 6 के 6 सदस्य, 2 बेटी 1 बेटा और बहू और हम पति पत्नी आज भी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी। आपकी जो शादी में 15 मिनट जो आपने वमन कल्चर के 3 लोगों के साथ में जो बहस की, उस बहस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये तो कमाल किया आपने। कौन से सन की बात है ये? लगभग 86 की बात है। तो 86 में तो अभी 14 और 23 अच्छे खासे 37-38 साल हो गए। बिल्कुल हो गए। तो बताइए क्या हुआ था उसमें? उसमें जब सारे किताबों के पढ़ने के बाद में इनके प्रति हमारा विद्रोह हुआ। शादी तो इनके जो मंत्र पढ़ते हैं इतने गंदे गंदे हैं कि आपके मैं उसको उल्लेख नहीं कर सकता, तो मुझे नफरत सी हो गई। मतलब उसमें कोई मानवता की बात नहीं है? अरे मानवता पूरी, शादी किस तरह से, कहाँ कहाँ शादी हुई है, कैसे शादी हुई है, मंत्रों का उच्चारण क्या है, और शादी करते समय किसका क्या हो गया, ब्रह्मा जी का क्या हो गया, किनका क्या हो गया, तो मैं उस पर चर्चा करके आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये है कि शादी में हमारे जो, चूँकि ससुराल पक्ष के मूलतः वाराणसी के थे और मैं जौनपुर का था, और उनकी भी तीसरी चौथी पीढ़ी मुंबई से थी, हमारी भी तीसरी चौथी पीढ़ी मुंबई से थी। जब 3-3 ब्राह्मण आए थे, कुछ गाँव के थे कुछ वहाँ के थे, आने के बाद में मंडप में बैठा तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि पंडित जी आप मुझे बताइए। अच्छा मैं आपको बता दूँ, एक बात यह भी था कि हमने हमारे यहाँ पंडित गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण के पत्रा को देखा, उससे पूछा कि इस वर्ष का सबसे ख़राब दिन कौन सा है, तो उन्होंने उस वर्ष काल में 23 जून सबसे ख़राब दिन बताया। तो मैंने हमारे यहाँ फ़ोन करके बताया कि 23 जून सबसे अच्छा दिन है, और लेकिन इस पर आप संशय मत करना, किसी और ब्राह्मण से किसी और पत्र से मत पूछना, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। और हमने सबसे ख़राब दिन को हमारी शादी किया, इसको झूठ बोल के अंधेरे में रखे। और जब 3-3 ब्राह्मण आए हैं, और मोस्टली उत्तर भारतीयों में जो है वो जोड़ा जामा पहन, प्रश्न यह बनता है जब आपने उन 3 जो बमन लोग थे उनसे ये पूछा कि सबसे ख़राब कौन सा दिन कौन सा है, वो ख़राब दिन शादी कराने फिर भी आ गए? नहीं, हमारे शादी के पहले हमारे घर से हमने पूछा था सबसे ख़राब दिन कौन है, तो हमारे घर में जो है जो दूसरे पंडित थे उन्होंने बताया था कि ये दिन सबसे खराब तो है। पंडितों को तो अगर एक दिन खराब है तो सभी पंडितों के लिए खराब है वो। इसीलिए तो मैंने कह दिया था ना कि इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे ससुराल पक्ष से कि आप किसी और पंडित से मत पूछना, इस तिथि पर आप शंका मत करना। आपने अपने ससुराल वालों को कह दिया कि वो ना पूछे ताकि उनको पता ना चले। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, पर जो 3 पंडित जो 3 ब्राह्मण आपकी शादी में शादी कराने आए, उनको भी तो पता होगा कि ये दिन पत्रा के हिसाब से सबसे खराब है। अरे लेकिन उनको जब कोई पत्रा पूछा ही नहीं, उनको डायरेक्ट उन्होंने बुला दिया फला तारीख को आइए शादी में, चले आए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ईसाइयों के अंदर कोई शुक्रवार कुछ ऐसा होता है, शनिवार पता नहीं कोई दिन खराब होता है या 13 तारीख खराब होती है, तो सारे ईसाइयों को पता होता है कि 13 का जो शब्द है वो खराब है, तो 13 को कोई काम करते नहीं करते। तो जो ब्राह्मण आया आपकी शादी में उसको भी तो यानी उसको ज्ञान नहीं था कि 23 तारीख खराब, वरना वो आता भी नहीं। अब देखिए हमारे ससुराल पक्ष से उन्होंने बुलाया था ब्राह्मण, हमने तो बुलाया नहीं था। नहीं, आपने नहीं बुलाया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो खराब दिन में भी शादी कराने आ गया, क्यों आ गया? अरे भाई उनसे पैसे से मतलब है ना? ये उनसे धन से मतलब है। अब दिन है खराब है क्या मतलब? दिन खराब कोई नहीं है, पैसा मिल जाए तो दिन ठीक। बस। तो फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर जो है मैंने 3 पंडितों से मंडप में हमने चर्चा की, कि मंडप से हमने पूछा कि पंडित जी आइए, मैं बड़ा कुछ डरा हुआ हूँ, कुछ आप मेरे शंका का समाधान कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरी शादी किस पत्नी से करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी मैं हिंदू पत्नी से करूँगा। तो मैंने कहा पंडित जी मैं 4 वेद पढ़ा हूँ, उपनिषद पढ़ा हूँ, जो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्मवतन पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, सारे पुराणों को पढ़ा हूँ, जो और सारे रामायण को पढ़ा हूँ, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, कम्मन रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रामायण, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, तो कैसे आप हिंदू शब्द से मेरा विवाह करोगे? तो एक ने कहा कि अरे भाई हमारे जो सनातन पद्धति में है उससे करेंगे। तो मैं बोला सनातन में क्या पद्धति है? तो एक पंडित ने कहा कि आप बड़े अगर ज्ञानी हो तो बताइए हमारे कल्चर में, शायद उनको ज्ञान नहीं था हमको उन्होंने पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, आपके कल्चर में जो अष्ट पद्धति है, अर्थ द्रव्य प्रजापत्य ब्रह्म, इस तरह से कि अष्ट पद्धति है, और इस अष्ट पद्धति में आप किस पत्नी से विवाह करोगे? तब वो परेशान हो गए। तो एक ने कहा भाई राम की पत्नी से विवाह करूँगा। तो तब मैंने तुरंत कहा अरे 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 भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी से। तो उनको लगा कि राम के नाम पर लड़का समर्पित हो जाएगा,
तो सब ने कहा हाँ तुम्हारी तुम्हारी जो पद्धति है राम की पद्धति से होगी। तो राम की पद्धति के बाद में फिर तब बोला देखिए पंडित जी मैंने अच्छा ये राम की शादी की पद्धति थी उन आठों में तो सुनिए ना। तो राम की जो मैं राम के शादी का जो मैंने वर्णन पढ़ा हूँ तो उन्होंने ब्रह्मा के सात ऋषि अगस्त पुलस्त वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र ने तिथि मिथि दे करके किया। उसमें लिखा ना भूतो भविष्यतो, इससे सुंदर कभी कोई मुहूर्त नहीं रहा है। और उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद में जब सीता और राम अपने घर जाते हैं तो उसके बाद में पिता पुत्र का विवाद, पति पत्नी का विवाद, बेटे माता का विवाद, 14 वर्ष का वनवास, भाई मरते मरते बचा, पत्नी का अपहरण हो गया, फिर कितने साल लड़ने के बाद में चले आए यहाँ पर, वो अब उसकी अग्नि परीक्षा, फिर गरोधर सीता को घर से निकाला, वो बेचारी वाल्मीकि आश्रम में 2 बच्चे वहाँ पैदा की, और फिर वो लव और कुश दोनों बड़े हो गए। बड़े होने के बाद फिर अपने पिता से युद्ध किया, पिता से युद्ध के बाद में जब वो दोनों पिता पुत्र इकट्ठे होते हैं तो राम को इतनी ग्लानी होती है कि वो सरजू नदी में जल समाधि ले लिए, मीन्स ही हैज़ कमिटेड सुसाइड इन सरजू रिवर। लेकिन चूंकि उस वक्त उस काल में मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, मैंने कहा कि सरजू, तो राम की पद्धति में मैंने बताया कि राम जो हैं जल समाधि ले लिए, माता सीता जी जमीन में समाहित हो गई। तो मैंने बोला पंडित जी आपके इस कल्चर से मुझे, आपके इस पद्धति से मुझे राम की पद्धति से विवाह हुआ है, मुझे बड़ा डर लग रहा है और मैं आपकी पद्धति से विवाह नहीं करूँगा। आपको जो धन चाहिए पैसा चाहिए ले लीजिए, आप उठिए इस मंडप से नीचे बैठिए। और मैंने उनको उठा करके और कुछ द्रव्य भी दे करके कि वो ज़्यादा शोर ना करें और नीचे बिठा दिया। और हमारे एक दूर के मामा थे, कम्युनिस्ट विचार के थे, उनको मैंने शादी की विधि मेरे हाथ से लिखी थी, उनको किताब दिया, फ़ोटो भी अभी हमारे पास है, वीडियो रिकॉर्ड भी तो उस वक्त में था। तो फिर उस पत्ती से मैंने पति पत्नी दोनों के 5 वचन हमने बनाए थे, वो 5 वचन एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे और शादी थी। और इसके बाद में हमने हमारी शादी की, शादी के बाद में पत्नी आई घर पर हमारे, 12वीं पढ़ी थी, सारे पक्ष के लोग नाराज़ थे, हमारी माताजी भी नाराज़ रहती थी, ये तो एक तो लड़का है, और तमाम रिलेटिव भी नाराज़ थे क्या गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए इसके लिए बधाई भी दूंगा। कारण क्या है कि आप आज जिस जगह से आते हैं और जो स्टेटस सरकार में या समाज में जो नाम दिया जाता है वहाँ इस तरह का क्रांतिकारी, हालांकि ज्योतिबा फुले के आप पुत्र हैं तो उनके हिसाब से आपने ठीक किया, पर थोड़ा सा ये बताइए क्योंकि जिस कल्चर से जिस स्टेटस से आप आते हैं जिस जगह से आते हैं वहाँ विद्रोह करना या इन बातों को कहना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बचपन में जिस प्रोटोकॉल में था 18 साल की अवस्था में, ये हिंदू बजरंग बल तमाम जो थे उसके आंदोलन में कोई 18 साल की अवस्था में कोई जेल में नहीं रहा है, चाहे आज जितने भी इनके नेता हैं इनका नेता का आप देख लीजिए। और लेकिन मैं अंधभक्त नहीं था, मैं अध्ययन किया और 18 साल के पहले जो बोलते हैं एक बाल्यावस्था, पढ़ते पढ़ते जब मैं मैच्योरिटी में आया तो मैंने विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह का खामियाजा हमको बड़े स्तर पर होना हमको मिला है। लेकिन मैं उस विद्रोह के बाद भी आज मैं जिस संपदा और पूंजी का मैं मालिक हूँ वो शायद उससे बहुत बड़ी कीमत है। हमारे लाखों करोड़ों लोग जो इस देश में हैं, जो उस वमन कल्चर में आज जो देखिए मूछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़े पे चढ़ने पे मारा जा रहा है, आज भी पानी के घड़े, भगवान बुद्ध के काल में पानी का आंदोलन हुआ, महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने हौज को खड़ा करके पानी का आंदोलन किया, बाबा साहब ने उस तालाब में पानी का आंदोलन किया, लेकिन आज भी तब में और आज में कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी एक बच्चा अगर घड़ा छू देता है उसको मार दिया जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है इस घटना पर। आज ये जो कल्चर है इसे कल्चर पे पूरे देश को उठना चाहिए, जो समन कल्चर के लोग हैं एक क्रांति होनी चाहिए, विद्रोह होनी चाहिए। आज और तब में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो आप बुद्ध से पहले समन कल्चर में समन थे, बुद्ध महासमन थे, आप उस वंशज में क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रहे हैं, वो सारे परिवार वंश आपके रहे हैं, फिर आपने देखा कि कैसे चीज़ें बदली, नाम बदले, कल्चर बदली, उसके बाद में फिर आज आप समन की बात करते हैं, तो उस समन से लेके, पुराने समन से लेके और आज के समन के कल्चर के बीच का पूरा इतिहास बताइए सर। देखिए आपने तथागत बुद्ध के कल्चर की जो बात कर रहे हैं तो उस वक्त में तो 10 गणराज थे,
साक्य मौर्य कोली लिच्छवी विशाली विदेह अलकप भग मल्ल और अट्ठ ये 10 गणों के राजा इकट्ठे होकर के एक फैसला करते थे। जो जो 10 गणों में से जो चुन किया आता था वो गणपति होता था, गणों का गणपति होता था। तो मैंने दोनों कल्चर का मैंने अध्ययन किया। तो मैंने जब अध्ययन किया तो किस तरह से इन्होंने कि बुद्ध को इन्होंने अवतार बना दिया, मत्स्य कुर्म वारा नरसिंह वामनर बना दिया। हाँ सुनिए ना, मत्स्य कुर्म अवतार मत्स्य कुर्म वारा नरसिंह वामनर रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्कि आक्रमाते, यानी मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, राम अवतार, मछली अवतार, सुअर अवतार और इस तरह से, और कल्कि अभी हुआ नहीं है और बुद्ध अवतार नवा बना दिया। तो मैंने इनके सारे अध्ययन को पढ़ा। जब मैंने यह भी पढ़ा कि इनके अखाड़े कब पैदा हुए, तो मैंने उस काल में मैंने अध्ययन किया कि आपके जो 10 गणराज थे इन्होंने 10 अखाड़े बनाए, और 10 अखाड़े आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, नाग अखाड़ा, इस तरह से सारे के सारे अखाड़े बनाने के बाद में आपके 10 राजा जो थे, जो सम्राट चंद्रगुप्त, बिम्बिसार, मौर्य, स्कंद, जो ये दशरथ, संप्रति, आखिरी में बृहदत्त, किस तरह से 10 अखाड़े बना कि इन्होंने उनकी हत्या किया और जगह जगह भिक्षुओं का एक आटा, और किस तरह से मैंने उनको देखा। जब मैंने इनके सारे अध्ययन में मैंने ये देखा कि बुद्ध की मूर्ति को, उनके बुद्ध की मूर्ति के तीसरा नेत्र बना दिया, बुद्ध के मस्तक पे इन्होंने चंद्रमा डाल दिया, बुद्ध के तीसरण को इन्होंने त्रिशूल कर दिया, बुद्ध के 5 सील को उन्होंने पंच गव्य कर दिया, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने अष्टांगिक कर्म कर दिया, बुद्ध के 4 आर्य सत्य को इन्होंने 4 वेद कर दिया, 4 तल कर दिया, 4 इस तरह से चौतरफा इन्होंने 4 धाम कर दिया, बुद्ध के 4 धाम को 4 धाम कर दिया, इन्होंने चौपट कर दिया किस तरह से। मैंने बुद्ध ने त्रिशरण दिया, उस शंकर के बगल में इन्होंने त्रिशूल दे दिया, बुद्ध ने धम्म बोला तो इन्होंने बम बोल कर दिया, इस तरह से हमारे सारे कल्चर को इन्होंने विनष्ट किया, नष्ट किया। मैंने जब अध्ययन किया सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, जो चैत्य थे, विहार थे, इन्होंने उसको ख़त्म किया, और आज हमको कहते हैं कि मुगलों ने ख़त्म किया, जबकि उनको इन्होंने जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, अनंतनाग जैसे असंख्य विश्वविद्यालय उस काल में मैंने जब अध्ययन किया उसको इन्होंने नष्ट किया, जलाया। तब इस्लाम भी नहीं था, तब क्रिश्चियन भी नहीं था, किस तरह से आज इस्लाम पर थोपते हैं, दूसरे अन्य कल्चर पर थोपते हैं। तो इस तरह से हमने जब पूरे अध्ययन के बाद में जब मैंने देखा कि हमारे इस महान कल्चर को, विश्व के सबसे प्राचीन कल्चर को, जो तथागत बुद्ध के पहले भी जो समन थे, जो आप जो चूँकि महासमन ये हैं उसके पहले भी थे, जो मोहन जोदड़ो का जो सिविलाइजेशन है जिसमें पाली संस्कृति है, मैंने यह अध्ययन किया, मैंने यह देखा कि पाली संस्कृति, पाली और इनकी होली संस्कृति है, मैंने यह देखा कि ये अंबेडकर संस्कृति है, उनकी गोलवरकर संस्कृति है, मैंने यह देखा किस तरह से ये अतार्किक हैं और अपना एक तार्किक है, किस तरह से बुद्ध का विज्ञानवादी है, ये अविज्ञानवादी है। मैंने देखने के बाद में मैंने एक चीज़ मैंने पढ़ा कि भगवान बुद्ध के सारे धम्म पद पढ़ने के बाद में, जहाँ मात पितु पट्ठा नपुद्दारो संघ हो, जहाँ उन्होंने कहा महामंगल सूत्र में दानेन धम्मचर्या च तात्कानन संघ हो, जहाँ इस तरह से तमाम उनके चीज़ों को मनुष्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके पढ़ने के बाद में मुझे तब लगा कि भगवान बुद्ध के जो कही हुई वाणी है वही धम्म है, बाकी सब संप्रदाय है, बाकी सब पंथ है। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म का परिवर्तन नहीं होता, धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म जो है, धम्म जो है वो चित्त की शुद्धता है, और यह कोई ये बाकी के जितने भी हैं वो पंथ और संप्रदाय हैं, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये सब सारे अध्ययन के बाद में तब मैं इस समन कल्चर में आया। मैं नहीं, सवाल ये था कि उस समन से लेके आप, चूंकि आपने बताया कि आप उस वंश के रहे हैं, तो उन वंशों के नाम जो बदले हैं और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, वो क्या सीढ़ी रही, वो क्या सफर रहा, मैं ये पूछ रहा। देखिए, तथागत बुद्ध तमाम हमारे जो राजा हैं उसमें नाग वंश के राजा हैं, उसमें हमारे नंद वंश जो है, जो न्यायी समाज है, दानानंद, महानंद, पवनंद, जिसमें मौर्य वंश हैं, जिसमें हमने पहले कहा कि जो 10 गणराज थे सब सारे के सारे हमारे समन कल्चर के सारे हमारे राजा थे, वो उसमें हम सब थे। कोई मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज ओबीसी बोलते हैं, ये नया शब्द ओबीसी है, जो शुद्ध बोला जाता था, शूद्र बोला जाता था, वो पुराना शब्द नहीं है, वो नया शब्द है, जो पुराना शब्द है वो समण शब्द है,
तो समण से शूद्र कैसे बन गए और शूद्र से ओबीसी कैसे बन गए और ओबीसी से फिर समण कैसे बन गए, वो यात्रा के बारे में बताइए। देखिए ये जो है इस तो तथागत बुद्ध के बाद में कबीर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, हमारे संत रविदास हैं, संत तुकाराम हैं, संत एकनाथ हैं, संत सैन हैं, संत सावतामाली हैं और आखिरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो युग पुरुष थे, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेके तीन शब्दों में एस सी एस टी ओ बी सी उन्होंने उनको एक इकट्ठा कर दिया। तो ये तो एक हज़ारों साल की लड़ाई को बाबा साहब ने कलमबद्ध कर दिया, संविधान में दे दिया। तो इस तरह से आज ओ बी सी समाज भी ये जो एस टी एस सी ओ बी सी है बाबा साहब के देन है। तो आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि ओ बी सी ही समन है? अरे ओ बी सी का मतलब ओरिजिनल बौद्ध कम्युनिटी, ओ बी सी बी सी का मतलब बौद्ध कम्युनिटी। तो हमने जब पूरे इनके इतिहास को पढ़ा ओ बी सी, बाबा साहब ने खुद बताया, कहा कि हर अपने बहुजन समाज के लोग जो हैं, जो कि बहुजन बुद्ध के काल में भी था, कि अपने अपने इतिहास को देख लें। तो मैंने हर कम्युनिटी का मैंने इतिहास, नावी समाज का, धोबी समाज का। पर उनका क्या करेंगे आप जो ओ बी सी हैं और वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं? देखिए चूँकि आप जो हैं भाषा के एक्सपर्ट हैं, तो क्षत्रिय कोई शब्द ही नहीं है, खत्ती शब्द है, खेती बाड़ी करने वाला शब्द है। मैं भाषा का एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, पर जो व्यवहार में आता है वो तो वमण कल्चर के भी लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय हैं और वो क्षत्रिय बनाते हैं उनको, वो तो आपका बहुमत ले जाते हैं। नहीं वो तो देखिए वो तो झूठा है, लुच्चे हैं, झूठे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। हर चीज़ को उन्होंने, आपके सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्होंने कब्जा किया है, तथागत बुद्ध की हर मूर्तियों को उन्होंने कब्जा किया। उसी तरह से एक खत्ती को जो है वो क्षत्रिय बना दिया इन्होंने। छत्री फत्री कुछ होता नहीं है। हम उस जमाने में दो ही बातें थी कि खेती बाड़ी करने वाले हो, जब दो समण बमण दो कल्चर हैं। हाँ सबने यही बताया है। हाँ अरे ये नहीं सर, ये तो वामन जो आए ना तब से वामन हुआ, पहले तो समन ही था ना, पहले समन ही था ना। ये सबसे पहले भारत के अंदर समन ही लोग थे ना हम लोग, जब बाहर से वम लोग आए। हाँ फिर वामन हम उनको बोले। हाँ यस 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 यस। तो अभी आपने जो अपना जीवन है उसके बारे में 18 साल के बाद में क्या सोचा, क्या परिवर्तन आए, क्या संघर्ष आए, उसके बारे में आप बताइए। देखिए शादी के बाद में भी हमारी शिक्षा थी, हमारी पत्नी का जो भी है गृहस्थ परिवार को चलाते हुए, और मेरी पत्नी एक नामचीन वकील बनी, वहाँ रमाबाई अम्बेडकर जो हत्याकांड था, गोलीबार हुई थी, मेरी वाइफ एक ओबीसी महिला, आपकी भाषा में जिसको संवैधानिक भाषा में कह दूं कि वो सारे केस को चलाई और जीती केस को, और एक अब हमारा परिवार पूरा शिक्षा की तरफ आया। तो हम हमारे जीवन में जो हमने शादी के समय में पांच प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा मैंने कहा था कि जब भी हम पूरे देश में हम सांस्कृतिक आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में हम घर से बाहर निकलेंगे तो आप हमारा कोई विरोध नहीं करोगी, हमारा साथ दोगी। ये हमारे यह भी एक हमारी प्रतिज्ञा थी शादी में। हाँ तो शादी के से हम पूरे भारत में सबसे पहले हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारे रिश्तेदारों में परिवर्तन करते 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 आज पूरे देश में देखिए 18 साल पहले जो है बीपीएसएस हमने बनाया, या तो शक्ति पत्रिका बनाई। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जगह जगह घूमते 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 आज अब तक हमारे खुद के एक रुपये, दो रुपये, लाख, दो लाख, पाँच लाख, दस लाख, जो भी है मेरे खुद के पैसे जो मेहनत के कमाए हुए हैं, मैंने 109 संस्थान तैयार किए हैं। उसमें से आपकी दिल्ली में ये सावित्री बाई फुले संस्थान है, यह भी एक है। उसमें जगह जगह बड़े बड़े संस्थान हैं, हमारी बुद्ध भूमि फाउंडेशन सम्राट अशोक नगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक जो आज 40 एकड़ में संस्थान है, उसका भी मैं एक चीफ पेट्रॉन संस्था का। तो मैंने इस सोचा कि पूरे भारत में जगह जगह हमारे अपने फिर से होने चाहिए, हमारे चैत्य विहार होने चाहिए, संस्थान होने चाहिए, उसी अभियान में लगा हूँ। अच्छा आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूँगा कि आज के जो एस सी एस टी और ओ बी सी हैं, पुराने समय के सब एक ही परिवार के समण लोग हैं, समण कल्चर के लोग हैं, पर लोगों को ये बात समझने में और बताने में समय लग रहा है। तो आप जितना मेहनत किए हैं और जो मेहनत आप अब तक सब चल रही है, उसमें समय आ गया है कि सभी को समण कल्चर के तहत में सारे समण हैं एक साथ इकट्ठे हो जाना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बारे में क्या प्लान है, क्या सोचा आपकी? आपका बड़ा बढ़िया प्लान है, और 2021 में पूरे स्टेट भारत के लगभग 18 स्टेट के लोगों की हमने बुलाई थी कोरोना के बाद में, और डॉक्टर
भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो बाबा साहब के ग्रैंड सन हैं वो भी साथ में थे, और इस तरह से तमाम बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें हम लोग निष्कर्ष किए कि हमको 5 सूत्री कार्यक्रम पे पूरे देश में करना है। तो 5 सूत्री में पहला कार्यक्रम यह है कि आने वाले 2025 या कुछ तक हम एक भारत में जो समन कल्चर के तथागत बुद्ध के जो 5 सील हैं उसको पूरे भारत में एक साथ दीक्षा लेते हुए। और मौर्य सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग धम्म का काम कर रहे हैं वो अलग अलग मठ बना रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो मंच पे भाषण के लिए तो इकट्ठे आ जाते हैं पर अपनी संस्थाओं का विलय नहीं करते, अपनी संस्थाओं को एक नहीं बनाते। धम्म की संस्था हजारों हैं, सामाजिक संस्था हजारों हैं, राजनीतिक संस्था हजारों हैं और सभी लोग समण हैं, तो टूट कर अलग अलग कर कर कैसे कोई काम बनेगा? हाँ, वही मैं बात बताने जा रहा था, आपने वही प्रश्न हमसे पूछ लिया कि आने वाले 2025 तक हम 10 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में दीक्षा का प्रचार प्रसार कर लेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि पूरे भारत के जितने भी चैत्य हैं, विहार हैं, संगठनाएँ हैं, संस्थान हैं जो बाबा साहब के भगवान बुद्ध की संस्था, उसको हमको इकट्ठा करके एक महासंघ की स्थापना करना और सारे लोगों को इकट्ठा करके कुछ कामन, और इसके बाद में दूसरा ST SC OBC में हमको रोटी बेटी का व्यवहार जो हम शुरू कर चुके हैं, मैं आपकी जानकारी। नहीं, रोटी बेटी का व्यवहार तो चल रहा है, अगर आपका लड़का IAS है तो सारी दुनिया के लोग लड़की देने को तैयार हो जाते हैं, आपकी लड़की अगर कमाने वाली है तो सारी दुनिया के लड़के जात बिरादरी संप्रदाय पंथ छोड़ के शादी कर लेते हैं, पर आपका लड़का अगर रिक्शा चलाता है, खेती में मजदूर है, तो उसको उसके समुदाय में भी लोग वो नहीं देते, लड़की नहीं देते। संपन्न व्यक्ति के लिए कोई जाति कोई वर्ग भेद नहीं है, सही बात है। गरीब आदमी के लिए सारे वर्ग भेद और जाति सही बात है, ये तो अलग बात है। पर मेरा जो मूल प्रश्न ये है कि आप एक सबको जोड़ के महासंघ बनाएंगे, और भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, हर व्यक्ति सबको जोड़ के महासंघ बनाने का सपना देखता है और सोच रखता है, सोच अच्छी है, पर हर व्यक्ति अगर महासंघ बनाएगा तो फिर तो अलग अलग ही बनेगा सारे महासंघ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विचारों पर इकट्ठे होंगे पूरे देश में, उसी वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, पर आप बताइए कि वो विचार कौन सा है और क्या विचार है और कब इकट्ठे होंगे? समय निकल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद में तो हो सकता है कि संस्था ना रहें, इनके रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएं, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है मुझे पता नहीं, सरकार जाने, 2000 की नीति जाने, चुनाव जाने, पर अगर ऐसा लोग प्रचार करते हैं, खासतौर से ST SC OBC प्रचार करते हैं, सवर्ण लोग प्रचार करते हैं, तो अब इकट्ठे होने की क्या कहीं डेट किसी पंडित से ढूंढ रहे हैं कि सारे इकट्ठे होंगे, या कहीं कोर्ट से जजमेंट आने वाली है? वो देखिए देखिए आपका मैं प्रश्न समझ रहा हूं। मैं जो 5 सूत्री कार्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाया, और आज के इस युग में अर्थ की बात है, जो धन तंत्र की बात है, और जो 2024 या अब तक जो संविधान का खतरा जिससे हुआ है, तमाम बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो हैं उनसे इस देश का खतरा है, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जो पैदा किया इन्होंने, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ ने जो पैदा किया है कि ये कुछ विशेष व्यक्ति के हाथ में पूरे तंत्र को ले जाना, तो उनकी लड़ाई के लिए रास्ता यही है कि हम जितने भी हैं। नहीं, आप बेसिकली क्या है कि जितने भी संगठनाएं हैं वो सारे के सारे ये कहते हैं जी कि ब्राह्मण ने ये किया, फलानी पार्टी ने ये किया, फलाने संघ ने ये किया, फलाने लोगों ने ये किया, फलाने लोगों ने वो किया। भाई आप शासक थे, आप ही आपने कहा कि हम पूरे दुनिया के, पूरे भारत के शासक रहे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं, और ये अभी तक की बात है, 200 300 400 साल पहले तक की बात है। तो आप खुद टुकड़ों में टूटे पड़े हैं, और अपने टुकड़ों में टूटे होने का दोष तो कोई अपने ऊपर देता नहीं, उसको तो स्वीकार करते नहीं, पर दूसरे को कहते हैं उसने तोड़ दिया हमको, उसने बांट दिया। मुझे आज तक इतनी सभाओं में मैं गया हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी सभा को रोकने के लिए कोई वमण आया हो, या किसी सभा को रोकने के लिए किसी ने यह कहा हो कि तुम सभा मत करना। आपको जोड़ने से लेके आपस में इकट्ठा होने के लिए कहीं कोई गवर्नमेंट का आदेश नहीं है, कहीं किसी विरोधी संस्था का आदेश नहीं है। ये लोग जो फेलियर लोग हैं संगठनों के, ये अपने फेल को बचाने के लिए अपने संगठन में जो चंदा लेते हैं उनमें जवाब न देना पड़े तो लोगों को ये कहते हैं कि वो ऐसा करता है। अरे भाई, 120 करोड़ लोग हो आप, वो 3% आप मानते हो, 3% वो लोग हैं, वो 3% लोग कैसे आपको अलग अलग कर जाएंगे जब आप खुद इकट्ठा नहीं होना चाहते? तो ये दोषारोपण जो आप दूसरे पे कर रहे हो, ये तो अपना जो ये कहते हैं कि फेलियर है उसको छुपाने के लिए सब करते हैं। चुनाव हारते हैं तो कहते हैं EVM है। अरे भाई, जब EVM है तो चुनाव में गए क्यों थे? पहले EVM में कहीं फैसला कर लेते। वामन मेसराम नाम का जो व्यक्ति जो वामसेफ चलाता है,
वो कहता है ईवीएम तोड़ूंगा, ईवीएम फोड़ूंगा, ईवीएम ठीक नहीं है। बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाता। पर भाई आप ईवीएम के समर्थन में चुनाव में क्यों जाते हो, क्यों अपनी पार्टी के लोग खड़े करते हो, क्यों उस ईवीएम में अपना वोट डालने जाते हो जब आपको ईवीएम पसंद ही नहीं है? आप पे सबर होता नहीं, आप कहते हो कि खाना खराब है और खुद खाने चले जाते हो। ये जो टेंडेंसी है इसके लिए क्या किया जाए? अब देखिए, आपने जो एक प्रश्न किया है उस प्रश्न का मैं जवाब दे दूं कि जब मैं होश संभाला मैंने कोई संगठन नहीं बनाया। मैं जानकारी के लिए बता दूं, उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं कि हम नई संगठन बना दिए हैं। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई संगठन सत्य शोधक समाज जो एक ख़त्म हुई संगठन थी उसको हमने जिंदा किया है और उसको हम पूरे देश में हम स्थापित कर रहे हैं। अभी आपके इसी दिल्ली में और लगभग 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज के स्थापन के 150 वर्ष पूरे होने के उपरांत में हमने वही संस्था के माध्यम से हमने यहाँ किया है और दो संस्था में मैं जुड़ा हुआ हूँ। सत्य शोधक समाज के जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्थापन किया था, जिसको माता सावित्रीबाई फुले ने चलाई थी, उस संस्था का मैं इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बाबा साहब की जो संस्था है ओरिजिनल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भले उसके भी 10 टुकड़े हो गए हों लेकिन ओरिजिनली बाबा साहब जो संस्थान है उसका बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। तो इसके लिए मेरे ऊपर आप दोषारोपण नहीं कर सकते कि अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। सर सुनिए, मैं जो है मैंने क्या किया कि जहाँ भी चला जहाँ भी गया वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें कहा कि आप अपना सामाजिक संगठन बनाइए, अपना ये कीजिए, कम से कम आप ये वमन कल्चर का विरोध करके समन कल्चर को बनाइए। ओपी मौर्य सर, ओबीसीज में जो संस्थाएं बनती हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी संस्था ऐसी है जो महात्मा महानमा ज्योतिबा फुले को या सावित्रीबाई फुले को नमन ना करती हो या उनको ना मानती हो। शेड्यूल कास्ट के अंदर मुझे वो संस्था बता दीजिए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का फोटो ना लगता हो। बुद्धिस्टों की वो संस्था बता दीजिए जो बुद्ध का फोटो ना लगाता हो। जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं वो संस्था बता दीजिए जिनका आदर्श बिरसा मुंडा ना हो। वो जो बरुआ लोग हैं, जो इधर के लोग हैं बंगाल, बंगाल के, वो सब बुद्ध को मानने वाले हैं। लद्दाख के लोग सब बुद्ध को मानने वाले हैं। जो इधर बंगाली लोग हैं वो गुरु हरचंद ठाकुर गुरु जो हैं उनके उनको मानने वाले लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक ही महापुरुष को मानने वाले लोग हैं और आजकल तो ये हो रहा है कि सभी संविधान को मान रहे हैं, पर 29 लाख टुकड़ों में टूटे हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल टूटे हुए। आप संस्था में काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल संस्था है और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उसको मानते हैं कि हमारे महापुरुष यही हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये उनके आदर्श या उनकी आइडियोलॉजी वो नहीं है। यहाँ जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जिन लोगों से फाइट कर रहे हैं उनका महापुरुष एक होता है तो उनकी सारी संस्थाएं उसके तहत में काम करती हैं और उनका एक सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। इधर जो 29 लाख जो संगठन बने हुए हैं उनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है नहीं और हर व्यक्ति सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए कहता है पर वो आपस में बैठते भी नहीं, बात भी नहीं करते, इकट्ठे भी नहीं होते, उनकी कोई चर्चा भी नहीं है अभी तक सर। मैं ये नहीं, आपका कहना मैं समझ रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ सिर्फ बाबा की बात है इस देश में। वो जो बाबा हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा करके, एक तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं, वो नहीं दुश्मन हैं। मैं उन बाबाओं को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो बाबा साहब के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के नाम पे अपना पेट भरू लोग हैं, जो बाबा साहब के नाम पे पार्टी संगठन बनाए हुए हैं और बाबा साहब के नाम पे जगह जगह पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह कह दूँ कि जो समन कल्चर के लोग, समन संस्कृति के लोग, ये समझ लें कि कौन झूठा है और किसने क्या काम किया है, उस आधार पर सपोर्ट करें। मौर्य सर, आपको जानकारी दे दूं कि आजकल अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे या ज्योतिबा फुले के नाम पे या पेरियार के नाम पे या बिरसा मुंडा के नाम पे दुकानदारी कम हो गई है, अब संविधान के नाम पर नया शुरू हो गया। हाँ, सही सही सही। हर एक व्यक्ति संविधान को बचाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है। हाँ, और हर एक आदमी पता नहीं एक एक पेज बचाएंगे, आधा आधा पेज बचाएंगे। अरे जब संविधान बचाना है तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप सब इकट्ठे होकर आओगे तो बहुमत होगा तो संविधान बच जाएगा, पर हर व्यक्ति ने नया धंधा पकड़ लिया है, इससे कैसे फाइट करेंगे? हाँ हाँ, मैं एक मिनट इस मुद्दे पर लूंगा। मैं तथागत बुद्ध के काल में, तथागत बुद्ध अपने भिक्खु के साथ निकले हुए थे तो एक उनके महाजनपद में बहुत भयानक अकाल पड़ा और उस गांव के लोग सारे प्यासे मारे गए। तो बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ को कहा कि जाओ देखो वो सारे के सारे क्यों मरे हैं, गांव कारण क्या है। तो भिक्खु संघ वहां पर गया, वहां पर देखा
तो हर लोग अपने अपने घरों के सामने कुएं, बीर, बावरी खोद रहे थे पानी निकालने के लिए, और हर कोई अलग अलग प्रयास कर रहा था, और आखिर में वो आधा खोदते हुए सब के सब प्यासे भूखे मर गए। जब आया उन्होंने तथागत बुद्ध कहा, बुद्ध ने कहा कि काश सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक दो कुएं खोद लेते तो पानी मिल जाता, तो पूरा गांव जो है जिंदा होता। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग ये समझें और मिल करके कोई एक संस्थान, कोई एक कुआं खोदें जिसमें से पानी हो। आप मुझे ये बताइए सर, ये कुआं खोदने को तैयार नहीं है तो क्या सत्तर दंड लेके आए, वो कैसे करें? देखिए आपके पास दो दंड है, एक एक देखिए आपके पास दो दंड है, एक सम्राट अशोक का वह सबसे बड़ा वो है अशोक स्तंभ राज दंड है, दूसरा फिर नहीं समझें तो भीमा कोरेगांव का वो विजय दंड है, वो इनको वो सुधारना पड़ेगा। तो आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, और अगली बार फिर जब आप आएंगे दोबारा फिर बात करेंगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मैं भी संगम नमामि करता हूँ, धन्यवाद।